इन्होंने बात स्टार्ट की है कि देर आर मैनी रीजन्स वाई यू माइट वॉन्ट टू एड एन इमेज टू अ वेब पेज. कह रहे हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इमेज की ज़रूरत पड़ सकती है अपने वेब पेज पे. यू माइट वॉन्ट टू इंक्लूड अ लोगो, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन, डायग्राम और अ चार्ट. कह रहे हैं कि हो सकता है आपको लोगो लगाना पड़े कंपनी का, हो सकता है आपको कोई फोटोग्राफ, फ़ोटो दिखानी पड़े, कोई पिक्चर दिखानी पड़े, हो सकता है आपको कोई इलस्ट्रेशन या डायग्राम दिखाना पड़े, किसी बात को समझाने के लिए कोई नक्शा दिखाना पड़े आपको खींच के. तो कह रहे हैं जी कि देर आर सेवरल थिंग्स टू कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग द एंड प्रिपेयरिंग द इमेज फॉर योर साइट. कह रहे हैं कि अब ये इमेज लगाना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कंसिडरेशन में रखनी पड़ेंगी जब आप इमेज लगा रहे होंगे अपनी वेबसाइट में. अच्छा, वो क्या है अभी? अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि पिक द राइट फॉर्मेट टू यूज़. तो कह रहे हैं कि जी सबसे पहले तो जो है ना, आपको राइट फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपके वेब पेज पे लगाने के लिए राइट फॉर्मेट कौन सा है. शो एन इमेज टू राइट साइज़, कि सही साइज़ में आपने डिस्प्ले करना है इमेज को. तो वो कंसिडरेशन बता रहा है कि अच्छा जी ये चीज़ें हैं जो आपने कंसिडरेशन में रखनी है. ऑप्टिमाइज इमेज फॉर यूजिंग यूज़ इन वेब पेज टू मेक इट लोड फास्टर. कह रहा है कि इमेज ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी से लोड भी हो जाए, ये भी कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी बात. अच्छा, तो अब आ जाते हैं. अच्छा, जैसा कि हर चैप्टर में ये शुरू में ही आपको एक वेबसाइट बना के दिखा देते हैं कि जी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये वेबसाइट ऐसी बनी हुई होनी चाहिए आपके पास, या आपको बनानी आ जानी चाहिए ये ऐसी वेबसाइट. तो इन्होंने इस चैप्टर के शुरू में भी एक वेबसाइट छोटी सी बनाकर दिखाई है कि जी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप ये इस तरह की वेबसाइट बना लें. अच्छा, इस वेबसाइट में क्या है जी कि एक इमेज लगी हुई है और हेडिंग भी एक इमेज है, फिर दरमियान में एक डिश बनी हुई है, फिर नीचे भी तीन इमेजेस लगी हुई हैं. तो ये टोटली इमेजेस के ऊपर एक वेबसाइट इसने बनाई हुई है. तो आप देखें, बग़ैर इमेज के जो वेबसाइट आपने अभी तक बनाई थी और ये इमेज के साथ जो बनी हुई है, इसमें एक वाज़े फ़र्क है, एक वाज़े डिफरेंस है इसके अंदर. अट्रैक्शन का फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल निखर के एक अलग सा लुक आ रहा है वेबसाइट का, जो इमेजेस के बग़ैर पॉसिबल नहीं था शायद. अच्छा, चूजिंग इमेज फॉर योर साइट, कि अपनी वेबसाइट के लिए पिक्चर को चूज़ कैसे करेंगे, कौन सी पिक्चर लगानी है. अ पिक्चर कैन से अ थाउजेंड वर्ड. कह रहे हैं कि जी पिक्चर, एक पिक्चर जो है वो थाउजेंड वर्ड्स के बराबर हो सकती है. किसी लेजेंड ने कहा था, ये वो मेंशन नहीं हुआ कि किसने कहा था, तो बहरहाल किसी ने ये बात कही है कि एक पिक्चर थाउजेंड वर्ड्स के इक्वल होती है. तो एंड ग्रेट इमेज कैन हेल्प मेक द डिफरेंस बिटवीन एवरेज लुकिंग एंड द रियली एंगेजिंग वन. कि एक अच्छी पिक्चर अगर आपने चूज़ की है अपनी वेबसाइट के लिए, तो वो पिक्चर जो है वही पिक्चर डिफरेंस हो सकती है एक एवरेज लुकिंग वेबसाइट में और एक बहुत अच्छी वेबसाइट में. एक एवरेज लुकिंग वेबसाइट होती है और एक एंगेजिंग वेबसाइट होती है. एंगेजिंग वेबसाइट का मतलब कि यूज़र आता है तो उस पर एंगेज हो जाता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, उस पर टाइम अपना स्पेंड करता है वो. तो जाहिर है किसी भी दुकान की वेबसाइट है, किसी बिज़नेस की वेबसाइट है, तो वो जब उस वेबसाइट पे बंदा आता है तो उस बिज़नेस का ऑनर ये चाहता है कि उस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि उस पे मौजूद प्रोडक्ट्स को वो अच्छी तरह देखे. अब वो जितनी देर उसको देखेगा तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको वो बाय कर लेगा, या कोई भी सर्विस है या प्रोडक्ट है. जितनी देर उसको वो स्टडी करेगा उस वेबसाइट पे, जितनी देर तक वो रहेगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बिज़नेस में इन हो जाएगा. तो इन्होंने कहा है जी कि भाई इमेज कैन बी यूज टू सेट द टोन ऑफ द साइट इन लेस टाइम देन इट टेक्स टू रीड द डिस्क्रिप्शन. मिसाल के तौर पे इमेज आपको हेल्प आउट कर सकती है एक सीन सेट करने में, एक टोन सेट करने में. हर वेबसाइट का एक अपना टोन होता है. जैसे मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स है. अब नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो डार्क मोड पे खुलता है और एक सिनेमा वाला लुक क्रिएट करता है. वो आपको एक सिनेमा वाली फील देता है. वो जाहिर है जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो आप लाइट वैसे ही डिम लाइट में खोल रहे होते हैं, ज़्यादातर रात को खोलते हैं आप, या ऐसे टाइम पे खोलते हैं कि जो आपके सुकून वाला टाइम होता है. तो नेटफ्लिक्स खोलते ही आपको वो रेड और ब्लैक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाता है
कि वो सैनमा वाली फील देता है। सैनमा में भी रेड कारपेट उन्होंने लगाया होता है, पर्दा रेड लगाया हुआ होता है। अब उसकी एक अपनी साइंस है कि वो रेड क्यों लगाते हैं, तो वो रेड और ब्लैक का एक कॉम्बो दिखा के ना आपको फ़ौरन एक फील दे देते हैं। वो यहाँ पर इसने लिखा है कि भाई लेस टाइम देन इट टेक्स टू रीड द डिस्क्रिप्शन। अब एक तो तरीका ये होता है कि नेटफ्लिक्स पे बंदा आता है और डिस्क्रिप्शन में उसके पढ़ता है कि अच्छा जी ये एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग आके मूवीज़ देखते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन कलर से ही वो सेंस फौरन आ जाता है। अच्छा, इफ़ यू डू नॉट हैव फोटोग्राफ्स टू यूज़ टू योर वेबसाइट, देयर आर कंपनीज हु सेल स्टॉक इमेजेस। कह रहे हैं कि अब असूलन तो ये होना चाहिए। अच्छा, ये तो कलर की मैंने बात कर दी ना कि वो रेड और ब्लैक, ये बात तो असल में चल रही है इमेजेस की। तो मिसाल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, तो असूलन होना क्या चाहिए कि उस वेबसाइट के ऊपर उस रेस्टोरेंट की फ़ोटोज़ होनी चाहिए कि अच्छा जी जो सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे लोग बैठ के एक्चुअल में खाना खाते हैं, वो सिटिंग अरेंजमेंट में लोग बैठे हुए हों और खाना उसमें सर्व हुआ हुआ, लोग खाना खा रहे हों, इस तरह की एक फ़ोटो होनी चाहिए ताकि उस फ़ोटो को देख के बंदा अच्छे से आइडिया लगा पाए कि अच्छा जी इस रेस्टोरेंट में मैं जाऊँगा तो मुझे किस तरह का एम्बियंस मिलेगा, कैसे माहौल में बैठ के मैं खाना खा रहा। फिर उसमें एक अदद मेन्यू की पिक्चर होनी चाहिए, फिर जो उनकी जो बेस्ट सेलिंग डिशेज़ हैं उसकी एक एक क्लोज़अप की फ़ोटो होनी चाहिए, है ना, और क्या कहते हैं मे बी लास्ट में उसके मैनेजर की फ़ोटो लगी हुई होगी, अच्छा जी ये मैनेजर है हमारा, जो उसकी टीम होगी जो वहाँ पे वेटर के तौर पे चल रही होगी उनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, और लास्ट में शायद उसका मैप वैप होना चाहिए। तो ये फ़ोटोज़ काफ़ी सारी हमने देखा कि इसमें इन्वॉल्व होगी। वेल, अगर मेरे पास कोई ऐसी फ़ोटो नहीं है कि अच्छा जी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ, कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो इस तरह की फ़ोटोज़ सेल करती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टॉक इमेजेस। अब स्टॉक इमेजेस की जो वेबसाइट है ना, वो वैसे तो यहाँ पे इन्होंने चार पांच वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ज़ाहिर है वेबसाइट कंपनीज आती और जाती रहती हैं, तो हम जाके गूगल पे लिख देंगे कि फ्री स्टॉक इमेजेस, सही है फ्री स्टॉक इमेज। तो ये आपके पास ना देखें कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं, शटर स्टॉक, इन वेटो करके कुछ है, ये तो दोनों वेल स्पॉन्सर्ड है, ये जो शुरू के दो आया ना ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड का मतलब इन्होंने पैसे दिए हैं गूगल को कि हमारा ऐड ऊपर दिखाया था, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर, फ्री स्टॉक इमेज के ऊपर। जो एक्चुअल रिजल्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। पिक्सल है, अनस्प्लैश काफ़ी अच्छा है, मैंने कई दफ़ा अनस्प्लैश यूज़ किया है, तो हम अनस्प्लैश को ज़रा ओपन करते हैं। अब अनस्प्लैश पे मैं गया, मैंने कहा कि जी रेस्टोरेंट, तो ये रेस्टोरेंट की ना ये फ़ोटोज़ आ गई सारी, ठीक है जी। तो अब इस तरह की फ़ोटो जिसमें ये एम्बियंस दिख रहा है मुझे, ये तो शायद मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि ये वाला देख के बंदे को फील आएगी कि अच्छा ऐसी जगह पे बैठूंगा मैं, और वो उसको मिलेगी नहीं, तो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो फ़ोटो है ये तो मैं लगा सकता हूँ ना, अगर मैं हेडिंग जो टॉप वाला पार्ट है मेरा उसके पीछे मैं ये वाली फ़ोटो लगा दूँ, तो ये मेरा ख्याल है ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो इसी तरीके से रेस्टोरेंट से मुतालिक बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। ये देखें पूरा एक पीछे एक बार की पूरी फ़ोटो है, लैंडस्केप एक बार का। तो यहाँ से जो है ना कोई भी फ़ोटो हम उठाकर अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई वेबसाइट है जो बर्गर बेचती है, बर्गर की दुकान है कोई, ठीक है, एक तो रेस्टोरेंट हो गया ना इन जनरल, अब भाई बर्गर की स्पेसिफ़िक फ़ोटो मुझे चाहिए, तो ये बर्गर की फ़ोटो आ गई, और इसको हाई क्वालिटी में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई वेबसाइट है, अगर कोई पेंट बेचने वाली वेबसाइट है, पेंट बिकते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो ये वेबसाइट में लग सकता है ना ये वाला पेंट की फ़ोटो, पेंट क्या कहते हैं मुझे दिखाना है अगर कि ब्रश पे लगा हुआ पेंट हो, कुछ ऐसा फील कराना है बंदे को कि वो पेंट की वेबसाइट पे पहुंच चुका है, बगैर डिस्क्रिप्शन रीड की उसको समझ आ जाए अच्छा मैं पेंट की वेबसाइट पे आया हूँ, ठीक है। तो अगर उसके हेडर पे ये वाली फ़ोटो लगी हुई हो तो उसको एकदम बंदे को फील आएगी कि मैं किसी पेंटिंग की वेबसाइट पे पहुंच गया हूं, या इस तरह की कोई फ़ोटो लगी उसके ऊपर, ठीक है जी। अगर मैं क्या करता हूँ, कार रिपेयर, रिपेयर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कार रिपेयरिंग की अगर मेरी कोई शॉप है
या कार रिपेयर वाले के लिए मैं बना रहा हूँ कोई वेबसाइट, तो उसके लिए भी यहाँ पे फ़ोटोज़ मौजूद हैं। आप दुनिया का कोई भी टॉपिक लिखेंगे, इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में जो है ना फ़ोटोज़ लोगों ने अपलोड की हुई है। अच्छा, जब किसी फ़ोटो पे आप क्लिक करते हैं ना, तो उसका नीचे नाम भी आ रहा होता है, ठीक है, ये नाम भी आ रहा होता है कि जी अच्छा ये निकॉन के कैमरे से ये खींची गई है, इसका कैमरे का मॉडल है Z5, उससे खींचा गया है इसको, इसकी डायमेंशन आ रहे हैं और फ्री है ये, ठीक है, ये लाइसेंस है इसका फ्री वाला, और बंदे का भी यहाँ पे कहीं नाम आ रहा होता है, बंदे का नाम कहाँ चला, ये रहा ऊपर आ रहा है ना, ये ना जॉयफुल करके कोई बंदे ने अकाउंट बनाया हुआ है, इसने ये फ़ोटो अपलोड की है। आप भी चाहें, अगर आप में से कोई फ़ोटोग्राफ़र है, तो आप भी अपनी फ़ोटो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, और पेड भी होता है इसमें और फ्री भी होता है, ठीक है। अनस्प्लैश पे ज़्यादातर जो है वो पेड, ज़्यादातर जो फ्री होता है, अनस्प्लैश प्लस पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पेड वाली फ़ोटोज़ भी हैं, ठीक है जी। तो कुछ भी यहाँ पे मैं लिखूँगा ना, तो उससे मुतालिक कुछ ना कुछ मुझे इमेज मिल जाएगी। तो एज़ अ लास्ट रिजॉर्ट, अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ़र नहीं है जो जाके आपकी मिठाई की दुकान या रेस्टोरेंट की फ़ोटोज़ खींचे, तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वापस आ जाते हैं हम अपनी बुक में, तो स्टॉक इमेजेस पता चल गई हमें। अच्छा, अब इमेज के अंदर ना क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि रेलिवेंट इमेज, रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी। मिसाल के तौर पे अगर किसी दुकान में बच्चों के खिलौने बिकते हैं, तो उसके अंदर जो इमेजेस लगी हुई होंगी वो बच्चों के खिलौने वाली इमेजेस होनी चाहिए, जो एक्चुअल उस दुकान में हो रहा है, जो एक्चुअल वो बिज़नेस कर रहा है बंदा, ठीक है। या अगर किसी स्कूल की वेबसाइट है, तो उसमें जो इमेजेस हैं वो या तो स्कूल के क्लासरूम की होनी चाहिए, या स्कूल में कोई अगर एनुअल फंक्शन था उसकी फ़ोटो हो सकती है, या कोई स्कूल के बच्चों की, स्कूल के टीचर्स की, एलुमनाई प्रिंसिपल वगैरह जो भी वहाँ हैं उनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, या स्कूल की बिल्डिंग की फ़ोटो होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन उसमें बिल्कुल कोई रेस्टोरेंट की फ़ोटो नहीं लगा सकते उसके अंदर, है ना, रेलिवेंसी उसमें बहुत ज़रूरी है। या कोई ऐसी इमेज भी नहीं लगा सकते जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हो। मिसाल के तौर पे हमने एक लगा दिया कि जी ये कैंटीन की फ़ोटो है, बट वो कैंटीन एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो इस तरह की फ़ोटोज़ हमने लगाने से गुरेज करना है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट में जो ट्रू इन्फॉर्मेशन वो कन्वे कर रहा हो। अच्छा, फिर सेकेंड बात, कन्वे इन्फॉर्मेशन, कि वो फ़ोटो जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हो ना अगर, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसने यहाँ पे लिखा है कि इमेज शुड, और आगे आप लगाएं कि इमेज शुड कन्वे इन्फॉर्मेशन, कि इमेज जो है वो, मिसाल के तौर पे अगर स्कूल की कैंटीन की फ़ोटो है, तो उसका मतलब ये है कि स्कूल के अंदर ये कैंटीन मौजूद है और इस तरह की है ये कैंटीन। अगर उसमें स्कूल के टीचर्स की फ़ोटो मौजूद है और उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी साथ में एजुकेशन भी लिखी हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं कि अच्छा जी ये क्वालिफाइड टीचर होते हैं इस स्कूल में। अगर क्लासरूम की फ़ोटो दी हुई है, तो उसका मतलब है कि अच्छा जी क्लासरूम में फर्नीचर कैसा है, एम्बियंस कैसा है, बच्चों के लिए साफ़ सुथरी है क्लासरूम, प्लेग्राउंड की अगर फ़ोटो है तो उसमें सफाई सुथराई के क्या मामले आते हैं। तो आमतौर पर लोग इन चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं कि जी स्कूल के अंदर तो हर सारे पेरेंट्स को नहीं जा सकते, तो वेबसाइट पर एटलीस्ट उनको वो फ़ोटोज़ दिख जाएँ, ताकि वो एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि अच्छा जी मेरा बच्चा जो है वो साफ़ सुथरी जगह पर पढ़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ कन्वे कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से जैसे अगर किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, तो उसने अपनी बेस्ट सेलिंग डिशेस की फ़ोटो लगाई हुई है, तो वो एक्चुअल फ़ोटो जिसको देख के पता चले कि अच्छा जी इनकी जो निहारी है वो क्या बहुत ऑयली तो नहीं होती कहीं, तो इस कन्वे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कन्वे द राइट मूड, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो आप, ऐसा कहा जाता है डिज़ाइनर्स के डिज़ाइनर्स के अकॉर्डिंगली ऐसा वो मानते हैं कि जी डिफरेंट इमेजेस को देखकर या डिफरेंट कलर को देखकर आपका मूड चेंज होता है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, दूर दूर तक ग्रीन हुआ हुआ है पूरा, तो वहाँ पे जाते ही आपके मूड में एक सडन चेंज आता है। या आप ख़ास किस्म के कोई कलर्स देखते हैं, तो उस कलर्स को देखने की वजह से आपका मूड चेंज होता है। या कोई ख़ास किस्म, आप कोई अच्छी खुशबू सूंघते हैं, तो आपका मूड एकदम चेंज होता है, ठीक। तो हर इमेज का एक एक मूड होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, तो कुछ इमेज जो है ना, देखें थोड़ा डार्क सी थीम है उसकी, ठीक है, क्लासी थीम है थोड़ी। अच्छा, कुछ जो है वो
आप देखें फैक्ट्री वाला माहौल है, सीरियस माहौल है थोड़ा, इन दोनों इमेजेस के मूड में काफ़ी डिफरेंस था। अच्छा एक जो है ये, इसका मूड थोड़ा और डिफरेंट है शायद। अच्छा फिर एक कार रिपेयर होगा जिसमें थोड़ा चाइल्डिश टाइप की होगी वो, ये आप देख रहे हैं गुर्बत झलक रही है फोटो में। तो हर, क्योंकि इसमें देखिए कार जो इसने दिखाई है ना वो कोई बहुत एक्सपेंसिव कार नहीं है ये, इससे पहले फ़ोटोज़ में जो एक्सपेंसिव कार दिखाई हुई थी उन्होंने, और बंदा भी एवरेज सा है इसने, जो मतलब सूट वूट भी कोई वो वाला ना नहीं पहना हुआ। ये देखें आप इस इमेज का जो मूड है वो एक क्लासिकल मूड है, लग्जरी कार इन्होंने दिखाई हुई है, एक्सपेंसिव कार दिखाई हुई है, और एक एम्बियंस दिया हुआ है कि जी अच्छा। अच्छा ये वाला आप देखें, ये थोड़ा सा ना पिकनिक वाला मूड कन्वे कर रही है, ठीक है। वैसे तो ये डिज़ाइनर का काम होता है, तो ये जो है थोड़ा स्पोर्टी मूड कन्वे कर रही है। तो हर इमेज का एक अपना मूड होता है, ये देख रहे हैं आप, पैट्रियटिज्म शो हो रहा है इसके अंदर। ये रेट्रो थीम कन्वे कर रहा है, थोड़ा रेट्रो फील करवा रहा है ये। तो हर इमेज का ना एक मूड होता है, डिफरेंट मूड होता है। अच्छा तो वेल, अब क्या होगा कि अगर मेरी वेबसाइट क्योंकि मूड जो कन्वे हो रहा है असल में वो कलर्स से हो रहा है, अंदर जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है उन्हीं से ही मूड कन्वे हो रहा है, कहीं और से तो हो नहीं रहा। तो डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं, डिफरेंट कलर पसंद होते हैं। अगर कोई बच्चा है तो बच्चों को आमतौर पे वाइब्रेंट कलर्स पसंद होते हैं, ठीक है, जैसे डार्क रेड, डार्क पर्पल, डार्क ब्लू वगैरह। आपने देखा होगा बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो आमतौर पे थोड़े वाइब्रेंट कलर्स होते हैं उसके, ठीक है। अगर मैं उसको बताऊँ कि 10 ईयर चाइल्ड टॉयज, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसके स्टिकर के ऊपर ही जो है ना वाइब्रेंट कलर लगे हुए हैं। तो इस तरह के वाइब्रेंट कलर ना बच्चों को पसंद होते हैं। सही है। ऑन अदर एंड जो एडल्ट्स जो पसंद करते हैं, यानी जो लैपटॉप वगैरह आप आमतौर पे देखेंगे वो मैट ब्लैक में होते हैं ज़्यादातर, सिंगल कलर में होते हैं। उसमें कोई, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई मतलब सुपर पावर वालों ने कोई मोटरसाइकिल बनाई और उसमें मतलब इस तरह के वाइब्रेंट कलर रख दिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो मोटरसाइकिल है वो मोस्टली एडल्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन एडल्ट्स को ये इस तरह के कलर पसंद नहीं होते, और फॉर अ वेरी गुड रीज़न कि इस तरह के कलर देखने से ना बंदा थक जाता है। अगर ये वाला कलर उसको देखना पड़े ना बार बार बंदे को, तो बंदा थक जाता है। अच्छा बच्चे, क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत होता है, बच्चों को हर वक्त वैसे उस इसको देख के भी नहीं थकते, उनको और बिज़ी करना पड़ता है हर वक्त, वो चाहते हैं कि कुछ होता रहे, बातचीत होती रहे कुछ, तो वो इस तरह के कलर देख के बंदा थक जाता है। तो इसलिए जो एडल्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके और भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, उनके दिमाग पर और भी बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, वो चाहते हैं यार बस ये सीधे सीधे कलर हों। तो अच्छा इसी तरीके से फिर जो डिफरेंट जेंडर है उनको डिफरेंट किस्म के कलर पसंद होते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ख़वातीन की जो कलर की पसंद होती है और जो मर्दों की होती है वो एक उसमें वाज़ह डिफरेंस होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई वेबसाइट बनाई जा रही है जो ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट है, और उसमें ये बात मुझे पता है कि उसमें 18-20 साल से लेके 30-35 साल तक की ख़वातीन आएंगी, तो उस वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस लगी हुई होंगी उसका जो कलर है, उसका जो मूड है, वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस और अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस होना चाहिए, जब ही वो एक राइट मूड कन्वे कर पाएगा। अच्छा इसी तरीके से अगर कोई गेम की शॉप है, अब तो वो आर्केड वाले ख़त्म हो गए, तो आर्केड की कोई शॉप है या इस तरह गेम, अभी आजकल गेमिंग क्लब खुल गए हैं, बल्कि उन्होंने गेमिंग कंप्यूटर रखे होते हैं और उसमें वो टूर्नामेंट कराते हैं, तो उसकी अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें आमतौर पर बच्चे आएंगे और मेल आएंगे, फीमेल्स का आमतौर पे उसमें इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। तो मेल उसमें आएंगे 10 साल 12 साल से लेके शायद 25 साल तक,
तो उसका जो कलर है वो शायद मैट ब्लैक ब्लैक टाइप, थोड़ा सुपर हीरो वीरो टाइप का फील उसको कराना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको वो वाली एक फील मैं दिखाऊं, तो ये सुपर हीरोज़ लिखूंगा तो आपको वो एक डिफरेंट, इससे डिफरेंट कलर दिखेगा। सुपर हीरोज़ मार्वल, ठीक है। अच्छा, इनके आप ड्रेसेस देखें, सिंगल सिंगल कलर के ड्रेसेस हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो मेल है, और 20-25 साल तक के मेल इनके टारगेट ऑडियंस है। अब तो बड़े भी देख लेते हैं वैसे, लेकिन इनके एक्चुअल जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे ही हैं असल में। अच्छा, जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए वो ये वाला है, इसमें आप देखें कलर अलग अलग हैं, एनिमेटेड वाला है ये, ठीक है। अच्छा, और एक और भी इनका है, डीसी है करके, वो डीसी वाले को क्या बोलते हैं यार, उसमें जो डीसी वालों की जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ वालों को क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसमें भी काइंड ऑफ इन्होंने बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज ऑफ द टारगेट ऑडियंस, क्योंकि इनके टारगेट ऑडियंस जो है वो मेल हैं और वो 8-10 साल से लेके 12 साल से लेके और ऑनवर्ड्स 25 साल तक के लोग हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप सुपर बाइक्स लिखेंगे तो सुपर बाइक में जो कलर होते हैं ना वो बिल्कुल अलग कलर होते हैं, ठीक है। ये सुपर बाइक के कलर्स हैं, जो ये मिसाल के तौर पे हायाबूसा के अंदर जो रेड कलर है और जो फिरारी का जो रेड कलर है ये इंटायरली डिफरेंट है, देखने में तो दोनों रेड हैं। इसी तरह से TCS का जो रेड है और मैकडोनल्ड का जो रेड है वो बिल्कुल डिफरेंट है आपस में, या KFC का जो रेड है और जो TCS का रेड है वो डिफरेंट है, उसका आप साइड बाय साइड रखेंगे तो TCS का जो रेड कलर है वो एक फील कराता है, हरी अप फील कराता है, वो एमरजेंसी फील कराता है। और जो मैकडोनल्ड में और KFC में जो रेड का इस्तेमाल किया है, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, फूड चेन ज़्यादातर रेड और येलो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर्स के अकॉर्डिंग और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ब्लू और रेड और येलो का एक ख़ास शेड देखने से आपको भूख लगती है, ठीक है। और जो लेपर्ड के अंदर जो येलो है वो डिफरेंट येलो है, तो वो वाला येलो है जो दूर से दिखता है, जो दूर से दिखने वाला येलो है, जो सड़कों पे भी आपने देखा है वो येलो का एक ख़ास शेड होता है जो फुटपाथ पे, सड़कों पे, बैरियर्स पे लगाया जाता है। तो ये कलर की पूरी साइकोलॉजी है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिज़ाइन साइड पे हम चले गए डिस्कशन में। आमतौर पे ये काम ना डिज़ाइनर करता है, ये काम डिज़ाइनर का होता है। अच्छा, डिज़ाइनर हमसे ज़्यादा चार्ज करता है, डिवेलपर से ज़्यादा पैसे ले रहा होता है वो, लेकिन हमें थोड़ी बहुत इन चीज़ों की नॉलेज इस वजह से होना ज़रूरी है, और बुक में भी ये बात इसीलिए डिस्कस की है इसने, ये बी रेलिवेंट वगैरह, वरना ये डेवलपर का काम नहीं है, इसीलिए डिस्कस की है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक डेवलपर को बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है डायरेक्टली एक डिज़ाइनर से, तो वो अपनी बात कन्वे कर सके, उसकी बात को समझ सके, इसलिए यहाँ पर ये बातें हो रही हैं सारी, ठीक है। वरना ये सारा काम आमतौर पर डिज़ाइनर का होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात कि अगर तो आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं तब तो चलो समझ आता है कि जी डिज़ाइनर अलग होगा, लेकिन फ्रीलांस में आम तौर पे क्या होता है कि डिज़ाइनर भी आप ही होते हैं, डेवलपर भी आप ही होते हैं, सब आप होते हैं, तो इस वजह से इस चीज़ की नॉलेज होना उस पर्सपेक्टिव में भी ज़रूरी है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो वहाँ डिज़ाइनर थोड़ी होगा, वहाँ तो आप ही होंगे सर। अच्छा, तो जी राइट मूड की हमने बात कर ली, हमने मूड को थोड़ा डिस्कस कर लिया कि इमेज को देखने से मूड कैसे चेंज होता है या मूड कैसे डिवेलप होता है। बी इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल, आपकी जो इमेज हो ना वो रिकग्नाइजेबल हो कि ये चीज़ है क्या। मिसाल के तौर पे अगर कोई कार की फ़ोटो है ना, तो कार की आपने देखा होगा वो हेडलाइट का क्लोज़अप होता है, एक बहुत सारी जगहों पे लगा होता है, बट वो देखते ही पता चलता है कि ये कार है, कंफ्यूज नहीं होता बंदा कि ये मोटरसाइकिल है या कार है, कुछ जगहों पे शायद हो भी जाता है। तो पॉइंट ये है कि आपकी जो इमेज है ना, अगर वो कार की इमेज है तो उसका एंगल ऐसा होना चाहिए कि वो इंस्टेंटली रिकग्नाइज हो जाए कि ये कार ही है। मिसाल के तौर पे कार की सीट का क्लोज़अप अगर लिया हुआ है किसी ने,
तो मे भी वो कंफ्यूज कर सकता है देखने वाले को कि वो चेयर कंप्यूटर वाली सीट है, चेयर है या कार वाली चेयर है। तो शायद थोड़ा सा साइड का कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए होगा कि हल्का सा स्टेयरिंग दिख रहा हो मे बी, या दरवाज़ा दिख रहा हो कार का, वो वाला जो खुलने वाला उसका निब विब कुछ दिख रहा हो, जिससे आइडिया हो जाए कि अच्छा जी ये कार की, तो इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, अब उसके अंदर एक डिश की फ़ोटो लगी हुई है, जो प्याला है उसमें वाइट कलर का कुछ है, वाइट कलर का कुछ है लिक्विड। अब वो लिक्विड दूध भी हो सकता है, वो दही भी हो सकता है, वो कोई खीर भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होना चाहिए कि जी अच्छा अगर तो वो खीर है तो उस पर शायद वो कुछ ग्रीन वाले वो डले हुए हों, नट्स डले हुए उस पर, तो वो फील हो जाएगा कि अच्छा जी ये खीर। अगर वो दही है, योगर्ट है, तो उस पर शायद वो धनिया के कुछ एक दो पत्ते डले हुए हों मे बी, जिससे वो रिकग्नाइज हो जाए कि अच्छा जी धनिया के पत्ते खीर पे तो नहीं डलते। अच्छा अगर दूध है तो मे बी उससे शायद धुआं निकलता हुआ दिख रहा हो कि जी ये गर्म है ना। तो समहाउ इमेज इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए, अदरवाइज आपका अगर यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये है क्या चीज़, वैसे तो नीचे लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ होना इज़ अनदर थिंग, वो भी ज़रूरी है, जहाँ पे लिखे हुए की ज़रूरत है वहाँ पे लिखा हुआ भी होना ज़रूरी है, बट इमेज रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट को पढ़ने में टाइम लगता है, इमेज को देखने में एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट टाइम कम लगता है। ठीक है, एक इसको देखते ही मैं पहचानूंगा कि अच्छा ये कंप्यूटर है, कीबोर्ड साथ रखा है, स्क्रीन रखा है, माउस रखा है, तो देखते ही एक लम्हे में पहचान लूंगा कि ये कंप्यूटर है। लेकिन नीचे अगर लिखा हुआ होगा ना कि अच्छा जी ये डेल वर्क स्टेशन, और तो वो उसको तो समझने में और पढ़ने में दोनों में टाइम लगेगा कि जी ये डेल क्या हो, किसी को पता चले डेल ही पता ना हो, कंप्यूटर का तो वो पहचानता है लेकिन डेल उसको नाम कभी नहीं सुना उसने, तो वो मसला होगा। अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिट द कलर पैलेट। अब कलर के पैलेट में भी फिट आना चाहिए। कलर पैलेट क्या चीज़ होती है जी, हर वेबसाइट के अंदर सर्टेन कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कलर पैलेट लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कुछ पैलेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ये एक कलर पैलेट है, ठीक है, ये एक कलर पैलेट है। अब जी एक वेबसाइट बन रही है, उसमें जो इसमें आमतौर पे पांच कलर या चार कलर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो रेशो होता है वो डिज़ाइनर डिसाइड करता है कि कौन सा कलर ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, बट आम तौर पे इसमें ना 40-20-10 ऐसे करके रेशो होता है, या 50-30-20-10 ऐसे करके होता है समटाइम, तो मतलब डिफरेंट रेशो होता है। समटाइम कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें सिर्फ तीन कलर होते हैं, तो उसमें 70-20-10 होगा फिर, है ना। तो इस तरह के एक कलर 70%, दूसरा कलर 20%, तीसरा कलर 10%। तो बहुत सारे डिफरेंट आपके पास जो है ना वेबसाइट्स हैं जो हेल्प आउट करती हैं आपको आपका पैलेट आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पैलेट जैसे इसमें देखें आप, एक रेड कलर वाइब्रेंट है इसके अंदर एक, तो क्या ये वाइब्रेंट कलर आपकी ऑडियंस पे फिट बैठ रहा है। तो इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वैसे तो ये डिज़ाइनर का काम है कि जी डिज़ाइनर ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से कलर्स आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास डिज़ाइनर नहीं है तो मुझे अभी एक वेबसाइट, क्या यार नाम था उसका, कलर हंट, ठीक है, कलर हंट जैसी वेबसाइट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कि जी कौन सा, मिसाल के तौर पे अगर आपको डार्क कलर्स चाहिए तो ये डार्क पे क्लिक करूँगा ना, तो ये डार्क डार्क कलर सारे निकाल के लेकर आ जाएगा मेरे लिए। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मुझे अगर समर के कलर्स चाहिए, समर के कलर जब मैं खोलूँगा तो आपको वो समर वाले कलर देख के बोनैन्जा का जो लॉन के बड़े बड़े फ़ोटो होते हैं ना, वो उससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। देख रहे हैं आप, इसी तरह के कलर्स होते हैं जो आप, अगर किसी ने नोट नहीं किया था तो नोट कीजिएगा कि जो वो सतरंगी और वो बुनैनजा और वो अलकरम वगैरह के जो रोड पे इश्तहार लगे होते हैं, ये समर के कलर्स हैं। ठीक है, ठीक है, बाय द वे समर के कलर में और विंटर के कलर में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट टू मे के क्लास टू वे हो जाए, आपसे भी कुछ बात पूछ लूँगा। धूप एब्जॉर्ब करते हैं,
बिल्कुल सही बताया यार आप लोगों ने, जो लाइट कलर्स होते हैं वो धूप में कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। वो धूप में कंफर्टेबल क्यों रहते हैं कि इसका ताल्लुक ये है कि कलर आपको दिखते कैसे हैं, कलर नज़र आते कैसे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। मिसाल के तौर पे ये अगर ग्रे कलर है या ये डार्क ग्रीन है, तो ये मुझे डार्क ग्रीन क्यों नज़र आ रहा है, इसका ताल्लुक लाइट के साथ है, ठीक है। कि एक हम एज अ ह्यूमन हम लाइट को परसीव कैसे करते हैं। जैसे एक पत्ता है, अगर वो ग्रीन है तो वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, वो ग्रीन इस वजह से दिख रहा है कि जो सन लाइट है वो उस पर पड़ती है, जब तो सन लाइट में तमाम कलर्स मौजूद होते हैं। वो पत्ता क्या करता है, तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो ग्रीन हमारी आँखों में पड़ता है, सूरज से जो रोशनी आ रही थी उसमें बाकी का अब्जॉर्ब हो जाता है, ग्रीन हमारी आँखों में पड़ता है, तो वो ग्रीन हमारी आँखों के अंदर कलर एक परसीव करता है कि अच्छा जी ये इसका कलर ये, ठीक है। तो अच्छा, सूरज हमें वाइट दिखता है क्योंकि वो सारे कलर जब मिक्स करते हैं हम रेनबो के, तो वो वाइट बनता है एक्चुअली। तो वो सूरज से क्योंकि सारे के सारे कलर आ रहे हैं एक साथ, तो वो मिक्स होकर आ रहे हैं, तो हमें दिखता है कि अच्छा जी धूप जो है वाइट होती है। तो अच्छा, और अगर कोई भी कलर ना हो तो ब्लैक होता है। सारे कलर अगर हम सूरज की रोशनी में से एक एक करके सारे कलर माइनस कर दें तो वो अल्टीमेटली डार्क हो जाएगा। यही वजह है कि आप जब धूप के आगे हाथ रखते हैं अपना, तो नीचे शेडो उतने जगह पे वो डार्क हो जाता है, ठीक है। तो चक्कर ये होता है कि ये वाइट कलर मैं समझा रहा था कि ये वाइट कलर क्यों होते हैं समर में, वो इसलिए होते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ना, सारी लाइट वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जब भी वो तमाम की तमाम लाइट आंखों में आ रही है आपके, तो आपको वो सारी लाइट एक साथ वाइट दिख रही है। तो वो वाइट कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, क्योंकि जब वो लाइट उसके अंदर दाखिल नहीं होती वो वाली, तो वो हीट भी दाखिल नहीं होती, वो हीट भी रिफ्लेक्ट हो जाती है साथ साथ। और जो डार्क कलर्स होते हैं, जितना डार्क कलर होगा इसका मतलब है उतनी ज़्यादा रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो ब्लैक कलर होता है आमतौर पे जो सर्दियों में जैकेट्स या स्वेटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो आप देखें उसमें ब्लैक कलर का डार्क कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो डार्क कलर का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है कि डार्क कलर जो है ना, हल्की सी अगर ये बल्ब की भी रोशनी पड़ती है ना, तो उसको एब्जॉर्ब करता है वो, और एब्जॉर्ब करके ना उसको डिपॉजिट करता है अंदर उसको, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली गर्म होता है। जो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट गर्म रहता है, थोड़ा बहुत वो गर्म रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम 2023 में पहुंच चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, तो अब कुछ ऐसे भी कपड़े आ गए हैं जो होते तो ब्लैक है देखने में लेकिन वो रहते ठंडे, ठीक है। तो वो एक्सप्लोर कीजिएगा कि वो क्या उन्होंने ऐसा किया उस टेक्नोलॉजी में कि वो ब्लैक कलर भी है और वो रहता भी ठंडा है। वेल, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जी विंटर सेलेक्ट किया, विंटर के कलर्स आ जाएंगे आपके पास। यार इंटरनेट में कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। अच्छा जी, देखिए आप विंटर में ना फौरन बिल्कुल वो नाइट वाले रात वाले कलर आ गए सारे, ये एक डार्क एलिमेंट इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है जी। हैप्पी मूड कन्वे करने के लिए अगर आपको कलर चाहिए तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, हैप्पी मूड चाहिए और मुझे चाहिए विंटर, तो मैंने दोनों को कंबाइन किया, तो ये कुछ कलर लेकर आ गया जो हैप्पी मूड कन्वे कर रहे हैं और विंटर वाले कलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, हैप्पी मूड कन्वे करे और रेट्रो हो, ये एक रेट्रो करके भी इन्होंने दिया हुआ है। हैप्पी मूड कन्वे कर रहे हैं और रेट्रो है। देखें आप इसको, इस वाले कलर को देख के बकायदा वो पुरानी स्कूल वैन याद आ रही है, इसी तरह के कलर्स हुआ करते थे, ठीक है। रेट्रो भी कन्वे कर रहा है और हैप्पी मूड है। अच्छा, अगर मैं हैप्पी को हटा दूँ इसमें से तो भी ये रेट्रो है, लेकिन अभी हर तरह के इसमें मूड अवेलेबल हो गए। अच्छा, रेट्रो के साथ मैं इसको कहता हूँ कि जी मुझे ना ग्रीन में ला कर दो रेट्रो, तो ये ग्रीन वाला रेट्रो ला कर दिया इसमें। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं आपका कलर पैलेट आइडेंटिफाई करने में। जो किड्स पे मैं क्लिक करूँगा तो जी ये किड्स वाले कलर आ गए सारे। तो बात ये हो रही थी कि फिट द कलर पैलेट, तो अभी तो हमने ये समझ लिया कि कलर पैलेट इन द फर्स्ट प्लेस होता क्या है, तो कलर पैलेट तो हमें समझ आ गया। अब हम ये देखते हैं कि कोई इमेज अगर है
तो वो किसी कलर पैलेट में कैसे फिट या अनफिट होती है। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ एक दो वेबसाइट खोल के देखनी पड़ेगी एज एन एग्जाम्पल। तो ये हम खोल लेते हैं ज़रा। सबसे पहले तो एप्पल की वेबसाइट, बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाते हैं ये लोग। तो आप देखें ये जो इमेज है, अच्छा पहले तो इनका कलर पैलेट आइडेंटिफाई करेंगे क्या है। एक वाइट कलर है इनके पैलेट में, एक डार्क ब्लैक है और एक जो है वो ग्रे है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी नोट करें कि इसके अंदर डिफरेंट ग्रे का ही डिफरेंट शेड, मतलब ग्रे को ही डार्क कर दो तो ब्लैक हो जाता है, ग्रे को लाइट कर दो तो वाइट हो जाता है। तो इसमें एक ही कलर है एक्चुअली जिसके डिफरेंट शेड इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि इस वेबसाइट की जो टारगेट ऑडियंस है वो मेल हैं और एडल्ट्स हैं। ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है ये वेबसाइट। तो अब आप नीचे देखते जाएं इनकी वेबसाइट में, आपको इसके अलावा कोई और कलर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन इमेजेस इन्होंने ऐसी लगाई है ना, देखें वाइट बैकग्राउंड पे हर तरह की इमेज सेट हो जाती है। वाइट बैकग्राउंड है, आगे फ़ोन लगा हुआ है इनका। अच्छा, ब्लैक बैकग्राउंड पे जहाँ पे इन्होंने फ़ोटो लगाई है आप उसमें देखें उसके अंदर ब्राइट कलर्स हैं। और जहाँ पे मिसाल के तौर पे देखें ये ब्लैक वाला जो फ़ोन है, ये डार्क बैकग्राउंड में ब्लैक वाला नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ये रेड वाला दिखाया है इसने डार्क बैकग्राउंड में। ठीक है, अच्छा वाइट बैकग्राउंड में देखें ये ग्रे वाला जो है इसको वाइट पर दिखाया है। अच्छा वेल, अब हम इनके ना किसी और में चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं होम पॉड वाले में, पूरा ही ब्लैक है ये। एक मूड भी कन्वे कर रहा है ये। अच्छा, कलर भी आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये जो इस पर रेड कलर दिख रहा है ये एक्चुअली इस डिवाइस का पार्ट है, इस डिवाइस के ऊपर ये लाइट्स लगी हुई हैं। अब ब्लैक बैकग्राउंड पे जब इन्होंने दिखाया तो ये वाइट वाला या ग्रे वाला जो वेरिएंट है वो वाला दिखाया है इसने। अब कहीं पे इसको ब्लैक वाला वेरिएंट भी दिखाना है ऑब्वियसली, उसके लिए शायद ये वाइट बैकग्राउंड कहीं पे करेंगे इस वेबसाइट में। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। ये देखें ये वाइट वाला यहाँ पे दोबारा इन्होंने वेरिएंट दिखा दिया, ब्लैक वाला वेरिएंट इसमें कहीं पर नहीं दिखाया इन्होंने। अच्छा ये देखें यार, बड़ी खूबसूरती के साथ इसने ना, सिर्फ अगर ब्लैक वाला रखते तो वो कन्फ्यूजन हो जाती कि यार ये ब्लैक है या वाइट है। क्योंकि अगर आप वाइट पे हाथ रख के ना सिर्फ ब्लैक वाले को देखें तो वो बैकग्राउंड से तो लाइट है तो ऐसा लग रहा है वाइट है वो, लेकिन वाइट और ब्लैक को साइड बाय साइड रख के दिखाया है इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल करने के लिए इसको। अगेन यहाँ पे देखें इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कलर वाइट है या ब्लैक है, क्योंकि डार्क रूम है, डार्क रूम में तो हर चीज़ ही ब्लैक दिखती है। ये कलर पैलेट में इसके वाइट और ब्लैक, बस वाइट ब्लैक और ग्रे जो टॉप पे हेडर पे आ रहा है वो ग्रे है। अच्छा, इसी तरीके से हम कोई दूसरी वेबसाइट अब ओपन करते हैं, नाइकी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल तो रही है, मैं काम करता हूँ ये अपना लगा लेता हूँ। अच्छा, एक मसला है मगर, कि मैं अपना वाईफाई कनेक्ट करूँगा तो ये प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। हाँ, प्रोजेक्टर बंद हो गया क्योंकि प्रोजेक्टर इस वाले वाईफाई पर है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत स्लो चल रहा है वाईफाई, है ना। अच्छा जी, नाइकी एक ऐसा ब्रांड है जो ज़ाहिर है शूज़ बनाता है, बच्चे भी पहनते हैं बड़े भी पहनते हैं, लेकिन नाइकी का जो टारगेट ऑडियंस है वो थोड़े शायद छोटे बच्चे ही हैं ज़्यादा। ठीक है, या स्पोर्ट्स वाले बन रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें इन्होंने ना इनका भी कलर पैलेट वाइट और ब्लैक ही है, कोई दूसरा इसमें कलर इन्होंने नहीं रखा ज़्यादा कुछ ना। और
एक बंदी बैठी हुई है, उसने शूज़ पहने हुए हैं या उसने हाथ में शूज़ पकड़े हुए हैं, और किसी का कोई कोई मॉडल है ये, उसने कुछ बात की है कि भाई द नाइकी इज़ ब्लेजिंग 77 क्लीन क्लासिक, जो भी उसने बात की है वो लिखा हुआ है बीच में। तो ये जो इमेजेस हैं ये इस पैलेट में फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड पे फ्रंट पे आप कोई भी फोटो लगाने कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन अब आप नोट कीजिएगा कि किसी जगह पे अगर कोई ऐसी फ़ोटो होगी ना जो बिल्कुल ही वाइट होगी तो उसमें बैकग्राउंड ब्लैक होगा, वरना तो वो दिखेगी नहीं। अच्छा चलते हैं, हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यार इनके हम चलते हैं किड्स शूज़ में चलते हैं। अच्छा टॉडलर इन्फेंट के लिए भी बना रहे हैं, वाह यार। अच्छा इन्होंने कोई रिस्क लिया ही नहीं है भाई, इन्होंने बोला भाई वाइट ख़त्म बात, इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया कि भाई आगे पीछे होगा कलर, क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये तो डेटाबेस से उठ के आ रही हैं ऑब्वियसली, तो फ़ोटो में कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने हर तरफ वाइट वाइट ही रखा है। ठीक है, अच्छा और कोई ढंग की वेबसाइट है किसी के जहन में जो हम खोल के एज ए एग्जाम्पल उसकी हम एक्चुअली फ़ोटो देखना चाह रहे हैं कि उसमें जो फ़ोटोज़ उन्होंने लगाई हैं क्या वो पैलेट पे सही बैठती हैं या नहीं बैठती हैं। क्या बताया तुमने? टेस्ला, टेस्ला, चलो टेस्ला खोलते हैं। टेस्ला, टेस्ला, यस। अच्छा जी, इनका भी जो पैलेट है वो वाइट है और शायद ग्रे है, ये वाला ग्रे कलर इनके पैलेट में है, वाइट और ग्रे। अच्छा इन्होंने तो सीधी सीधी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, सोलर पैनल्स। तो अच्छा इसका जो पैलेट है ना, आप देखें यहाँ पे आसमान का कलर वाइट है तो उस पर टेक्स्ट थोड़ा ब्लैक से लिखा हुआ है, अब मे बी कहीं पे बैकग्राउंड अगर ब्लैक होगा ना तो वहाँ पे उन्होंने वाइट किया हुआ होगा। कोई ऐसी फ़ोटो इसमें आ रही है जहाँ पे कहीं पे बैकग्राउंड ब्लैक हो रहा हो? व्यू इन्वेंट्री और हाँ अच्छा ये देखें नीचे ज़मीन ये ब्लैक हो जाती है, तो इन्होंने इसको ना पीछे बैकग्राउंड खुद से दे दिया थोड़ा सा, वरना तो ये मिक्स हो जाता बैकग्राउंड के साथ ब्लैक। काफ़ी सही बनाई है इन्होंने वेबसाइट ना। बस ख़त्म इधर ये। अच्छा मॉडल एक्स, मॉडल एस के अंदर चलते हैं ज़रा। अच्छा जब तक इमेज लोड नहीं हुई थी ये जो 396 माइल जो लिखा हुआ है ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हुआ हुआ था, जैसे ही इमेज लोड हुई है तो ये नज़र आया, क्योंकि इमेज पीछे बैकग्राउंड इसका ब्लैक है और ये टेक्स्ट इस वजह से इन्होंने वाइट किया हुआ है। अच्छा और आगे देखते हैं जी क्या किया हुआ है इन्होंने। अच्छा अच्छा सा मूड भी कन्वे किया हुआ है, लग्जरी अंदर से सीट वीट दिखाई हुई है। अच्छा जी ये देखें इसने ना ये वाली जो फ़ोटो या वीडियो जो भी है ये इसको ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लेंड कैसा किया है इन्होंने, अच्छे से किया है। ठीक है तो ये पैलेट में फ़िट किया हुआ है, बहुत अच्छे से फिट किया हुआ है। अगर ये वाली इमेज ये नीचे ये वाली और ये वाली इमेज अगर वाइट बैकग्राउंड पे लगाते तो शायद ये मूड कन्वे नहीं हो पाता, या इस तरह से ये ब्लेंड नहीं हो पाती अपने पैलेट के अंदर जिस तरह से यहाँ पर ये हो रही है। अच्छा इस स्क्रीन पे आप नोट करें इस स्क्रीन का एक अपना पैलेट बना हुआ है सिर्फ इतने पार्ट का, जिसके अंदर रेड भी शामिल है, ये रेड इसके पैलेट का पार्ट है।
अगर आप इसको गौर से देखें तो इस पेज पे आते ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ब्लैक और रेड है, बाकी यहाँ इस पेज तक ये पैलेट कुछ और था, यहाँ तक पैलेट कुछ और था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम आते हैं ना तो ये बिल्कुल पैलेट का पार्ट बन जाता है। तो वो फिट इन द पैलेट की ये शायद बेहतरीन एग्जांपल है ये वाली। यहाँ पे आप देखें, अब पैलेट एकदम चेंज हो गया, तो हर एक स्क्रॉल पे पैलेट पूरा पूरा ये चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाली इमेज जो है इस पैलेट में बिल्कुल बेहतरीन फिट है, वाइट बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वो टेयर डाउन वर्जन आपको दिखाया हुआ है इन्होंने। ठीक है जी। अच्छा, ये वाइट वाली कार है, इसको शायद ब्लैक बैकग्राउंड के साथ दिखाना चाहिए था, बट आई एम नॉट श्योर कि इसको ये वाइट के साथ ही इन्होंने क्यों दिखाया है। वेल, कोई डिज़ाइनर चीज़ होगी, ये डिज़ाइनर थिंग होगी कोई। वेल, तो वापस आ जाते हैं हम इस वेबसाइट पे। तो ये पांच क्वालिटीज़ जो एक इमेज में होनी चाहिए, हमने वो पांच क्वालिटीज़ यहाँ पे डिस्कस की, और हमने स्टॉक इमेजेस कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं वो हमने देखा, और अब हम देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है हमारे पास, क्या हम वो आज कवर कर पाएंगे या नहीं। अच्छा, इमेज का टैग इसने लगाना बताया है अगला, तो ये हम कवर करके आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। इमेज का जो टैग है वो कैसे लगता है जी? IMG के नाम से है इमेज का टैग, और उसमें तीन एट्रीब्यूट्स का यहाँ जिक्र है। SRC एक एट्रीब्यूट है, ALT यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट, और एक टाइटल। तो ये तीन इसके जो है ना मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके बगैर ये मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लगा के बताई हुई है, ये IMG का टैग स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इमेज का जो टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग एक टैग हमने पहले भी पढ़ा था, जो BR था वो सेल्फ क्लोजिंग था। तो इमेज का भी जो टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग है, इसमें क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता, बल्कि ओपनिंग टैग में ही लास्ट में एक स्लैश लगा हुआ होता है कि जी ये सेल्फ क्लोजिंग हो गया। पहला एट्रीब्यूट SRC के अंदर रिलेटिव पाथ मुझे बताना होगा उस इमेज का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने डॉट स्लैश नहीं लगाया हुआ, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे शुरू में डॉट स्लैश का इस्तेमाल करें कि जी इस फोल्डर में। और ये चीज़ का भी ख्याल रखें आप कि जो इमेज आप लगाना चाहते हैं वो आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर ही होना चाहिए, यानी आपकी रिपोजिटरी के अंदर होना चाहिए, ताकि जब आप उस रिपोजिटरी का कोड पुश करें तो वो इमेज भी साथ साथ क्या हो जाए, github.com पे पुश हो जाए। अगर वो इमेज github.com पे पुश नहीं होती है somehow, तो जब आप उस वेबसाइट को होस्टिंग जब उसकी करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको वो पिक्चर नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास सी ड्राइव में कहीं कोई पिक्चर पड़ी थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपने उसका कॉपी पाथ करके यहाँ लगा दिया, तो आपके कंप्यूटर में तो जाहिर है वो चल जाएगा क्योंकि उसको पता है वहाँ पे। लेकिन जब वो होस्टिंग जब उसकी आप करेंगे, जब गिटहब में अपना कोड पुश कर देंगे आप, तो वहाँ पे वो सी ड्राइव तो है ही नहीं, तो वहाँ पे वो उसको इमेज मिलेगी नहीं, और वो ब्रोकन इमेज का एक छोटा सा बना आ जाएगा कि जी ये इमेज ब्रोकन है। सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि रिलेटिव पाथ ही यहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे आप नहीं दे सकते, रिलेटिव पाथ का होना यहाँ पे ज़रूरी है। अल्टरनेट टेक्स्ट जो है उसके लिए ALT करके, और ये यहाँ तक ना अल्टरनेट टेक्स्ट इन्होंने लगाया हुआ। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है कि किसी भी वजह से अगर इमेज लोड नहीं हो पाती है, चाहे इंटरनेट के इशू की वजह से, या तो वो इमेज उसको मिल ही नहीं पाती somehow, तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है यूज़र के लिए। उसके अलावा जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं वो भी जब वेबसाइट को विज़िट करते हैं स्क्रीन रीडर के ज़रिए, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, नंबर 3 है टाइटल। टाइटल क्या होता है कि जी इमेज को ज़ाहिर है कोई ना कोई कैप्शन आप देना चाहते हैं, तो वो कैप्शन होता है जब आप इमेज के ऊपर हवर करते हैं somehow, कुछ ब्राउज़र में हवर पे, कुछ ब्राउज़र में शायद वो क्लिक पे दिखा रहा होता है, तो ये टाइटल भी जो है इसके साथ आप लगाते हैं जिसमें आप इमेज को कोई ना कोई कैप्शन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इमेज को एक कैप्शन दिया हुआ है, तो इमेज के अंदर यही है फ़िलहाल के लिए कि इमेज का एक टैग है, तीन उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, वो तीनों दे दें तो इमेज लग जाएगी। अच्छा, हाइट एंड विड्थ की बात करें अगर हम इमेज की, एक एट्रीब्यूट हाइट भी है और एक एट्रीब्यूट विड्थ भी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें,
SRC दिया है इसने, अल्टरनेट टेक्स्ट दिया है और विर्थ हाइट दी है इसने। अच्छा, अगर मैं एक इमेज लगाता हूँ उसकी मैं हाइट डिफाइन करता हूँ 600 और वो इमेज एक्चुअल इमेज जो है वो 1000 पिक्सल की अगर थी वो, तो 600 उसकी विर्थ करने से उसकी विर्थ कम हो जाएगी और हाइट को भी कम करने से भी हाइट भी कम हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है कभी भी, ठीक है। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ इस चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, मैं आपके इस फोल्डर में आके एक इमेज के नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी 3 dot image और इसमें आके मैं एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है जी। और एक रेस्टोरेंट वेबसाइट मैंने इस पर हेडिंग लगा दी है और उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक अदद इमेज लगाना चाह रहा हूँ। इमेज मैं कहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, अनस्प्लैश, ठीक है जी, रेस्टोरेंट। और मिसाल के तौर पे मैं ये फ़ोटो लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। डाउनलोड फ्री का बटन प्रेस किया मैंने, अब ये मेरे पास क्या आ गई, एक 3 MB की इमेज मेरे पास ये आ गई। इसको मैंने किया शो इन फाइंडर, ठीक है, शो इन फाइंडर से मैं इसको ड्रैग किया, ड्रैग करके यहाँ पे ला के ना इस फोल्डर के अंदर मैंने ला के छोड़ दिया। और मैंने इसको क्या लगा दिया, मैंने कहा कि banner.jpg, इसको नाम चेंज कर दिया क्योंकि नाम काफ़ी लंबा चौड़ा सा था उसका, ताकि नाम जो है वो सेट हो जाए आसानी से मैं लिख सकूँ। यहाँ पर मैंने IMG लिखा, ठीक है, इसको अगर मैं ज़ूम इन कर पाऊँ थोड़ा सा, तो जी यहाँ पे मैंने IMG लिखा और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली इतना पार्ट लिखा आ गया। मैंने कहा यहाँ पे .slash और नीचे ये banner.jpg खुद से आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अल्टरनेट टेक्स्ट में मैंने कुछ लिख दिया कि जी ये दिस इज़ बैनर। वैसे आपको इस अल्टरनेट टेक्स्ट में ऐसी बात लिखनी है कि अगर कोई बंदा इमेज देख नहीं पा रहा ना, तो वो इतना अगर उसको बोल दिया जाए तो वो समझ जाए कि इमेज में क्या है, ठीक है, ये मतलब है उसका। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ जो मैंने अभी अभी ये पेज बनाया है आपके सामने, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। ब्राउज़र मुझे चाहिए यहाँ इस तरफ, ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि मेरी वेबसाइट जो है ना इस वक्त जो ज़ूम लेवल है इसका वो 0 है, लेकिन ये इमेज बहुत बड़ी इमेज है, देख रहे हैं आप, मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे स्क्रॉल आ चुका है और ये काफ़ी बड़ी इमेज है। अब लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरे पास ये इमेज जो है ना वो मेरी स्क्रीन जो है वो 1000 pixel की स्क्रीन है, ठीक है, आमतौर पे ज़्यादातर स्क्रीन 1000 pixel की होती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जी अच्छा इसको मैं 1000 pixel पे करके बता दूँ। मैंने कहा जी विर्थ 1000 pixel, ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने तो ये 1000 pixel पे आ गई, या जो भी मेरा साइज़ था स्क्रीन का, जिस साइज़ पे भी मैं लाना चाहता था उस पर आ गई। उसके बाद मैं उसको ऑब्वियसली सेंटर कर दूंगा ताकि अगर छोटी बड़ी स्क्रीन हो साइड में पट्टी आ रही हो वाइट कलर की। लेकिन ये काम ना मुझे कभी भी नहीं करना है, ठीक है, इस विर्थ के अंदर हमेशा आपने वो साइज़ लिखना है जो इमेज का एक्चुअल साइज़ है, ठीक है। अच्छा, अगर इससे अगर यहाँ पे मैंने वही साइज़ लिखना है जो इमेज का एक्चुअल साइज़ है, तो इसका साइज़ का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, तो वो मैं देखूँगा कैसे, पहली तो बात ये कि उस इमेज का साइज़ है क्या। एक तो जहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वहाँ पे भी मुझे दिख रहा था, लेकिन इसको मैं खोलूँगा ना फाइल एक्सप्लोरर में और इसकी मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, मेरे पास ये राइट क्लिक करके गेट इन्फो आ रहा है। आपके पास अगर विंडोज़ है तो उसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ आ रहा होता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा मैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखें इसके डायमेंशन लिखा हुआ रहा है, जो पहला वाला है वो विड्थ होता है, जो दूसरा वाला है वो हाइट होता है, ठीक है, ये एक्स और वाई का चक्कर है कि पहला वाला जो वो एक्स है, एक्स एक्सिस, और दूसरा वाला वाई एक्सिस है। तो पहला वाला यानी कि ये 3800 इसकी विड्थ है, यानी मेरे स्क्रीन का 3x या 4x। तो इसको मैंने अगर 1000 pixel करके दिखाना है तो ये इमेज इन द फर्स्ट प्लेस 1000 pixel की ही होनी चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3800 पिक्सल की है और उसको मैं छोटा करके उसको ज़बरदस्ती दिखा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या होगी? नंबर एक प्रॉब्लम, इस इमेज का साइज़ अगर आप देखें ना, तो 3.4 MB इसका साइज़ है, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है। ठीक है, इतना बड़ा साइज़ वेबसाइट के ऊपर वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इतने बड़े साइज़ की इमेज वेबसाइट पे आमतौर पे हम नहीं लगाते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम नंबर एक ये होगी कि जी अगर ये 3800 पिक्सल की इमेज है तो ऑब्वियसली इसका साइज़ भी उसी हिसाब से होगा। तो जो 3800 को मैं कंज्यूम तो नहीं कर रहा, यूटिलाइज तो नहीं कर रहा, उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, तो मुझे डिटेल 3800 वाली मिल रही नहीं है। ऑब्वियसली डिटेल मुझे 1000 वाली मिल रही है। और इमेज जब लोड होती है, ज़ाहिर है जब वेब पेज चलता है पहली दफ़ा तो इमेज लोड होती है बकायदा। जैसे अभी कुछ वेबसाइट में आपने देखा कि पहले टेक्स्ट आ रहा था, इमेज थोड़ी देर में लोड होकर आई है, तो वो साइज़ पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट की स्पीड पे भी ऑब्वियसली। तो जितनी भी अच्छी इंटरनेट की स्पीड है, हम ये अज्यूम करते हैं कि इंटरनेट थोड़ा गुजारे पे ही चल रहा है और हम इमेज ऐसी लगाते हैं जो कम स्पीड वाले में भी जल्दी से लोड हो। तो इसका साइज़ मैं 1000 पिक्सल करने से सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इसका साइज़ कम हो जाएगा ताकि जल्दी से लोड होगी। दूसरा फायदा इससे ये होगा कि जब मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, वही बात 1000 पिक्सल की मेरी इमेज थी और मैं यहाँ पे 1000 पिक्सल लिखूँगा इस जगह पे, तो जब मेरा पेज लोड होगा तो जो पेज में मौजूद टेक्स्ट है वो पहले लोड हो जाता है ऑब्वियसली, और इमेज थोड़ी देर में लोड होती है। तो ये 1000 पिक्सल यहाँ पे लिखने की वजह से जो टेक्स्ट है वो इमेज की जगह शुरू में ही छोड़ देगा। ठीक है, अगर तो मिसाल के तौर पे इसको बल्कि करके देखने वाला आइटम है ये, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, एक पैराग्राफ लिख देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ मैं। बुक मेरी कहाँ गई? ओके, एक मैंने जस्ट यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया और एक पैराग्राफ यहाँ पे बना दिया मैंने। सही है, उसके बाद मैं एक इमेज और लगा देता हूँ ये वाली, और इस बार मैं इस इमेज को देता हूँ तीन सौ पिक्सल दे देता हूँ मैं। ठीक है, मैं एक्चुअली सेम इमेज यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि यहाँ पे विड्थ लिखने का बेनिफिट क्या है। अब जो है ना, ये कुछ इस तरह की दिख रही है ये वेबसाइट। ठीक है, अच्छा अभी तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये एक पलक झपकते में ये लोड हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये इमेज कब लोड हुआ है। वो उसका रीज़न ये कि ये अभी तो ओवर द इंटरनेट तो आ ही नहीं रहा ना, ये तो मेरे पीसी में पड़ा हुआ है अभी। अच्छा, इसके लिए एक डेवलपर टूल है, मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट का बटन दबाऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक डेवलपर टूल आ जाता है नेटवर्क। इस नेटवर्क में जाके ना मैं एक सिमुलेशन चलाऊंगा कि अच्छा जी, मैं इसको एज्यूम करवाऊंगा कि आपका इंटरनेट स्लो है। ठीक है, हालांकि इंटरनेट के ओवर तो आ नहीं रही अभी ये। अच्छा, क्या बोलूँगा मैं इसको, यहाँ पे ये नो थ्रॉटलिंग लिखा हुआ है ना, जो नो थ्रॉटलिंग पे आके मैं इसको लिखूँगा स्लो 3G, और स्लो 3G करने के बाद ना, इसको मैं जब पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा, जब पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये उस तरह से लोड होगा जिस तरह से स्लो 3G इंटरनेट पर ये लोड होता है। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, साथ साथ मुझे डिसेबल कैशे भी करना पड़ेगा। वो डिसेबल कैशे इसलिए करना पड़ेगा कि इमेजेस जब लोड होती हैं तो वो कैशे में रख लेता है, वो फिर दोबारा इंटरनेट पे जाता नहीं है। ठीक है, और इसको मैंने रीलोड किया। यार अभी भी काफ़ी ये जल्दी लोड हो जा रहा है, क्या चक्कर है ये? यानी जल्दी क्यों लोड हो जा रहा है ये? हाँ, ओके, सही तो है, स्लो 3G। बहुत जल्दी लोड हो जा रहा है, आई एम नॉट श्योर वाई इसको, बट मैं
कट करके ना एक नया टैब ओपन करता हूँ, मे बी उसमें उस टैब में कुछ उसको समझ नहीं आई। मैं दोबारा से यहाँ पे जाके वो काम करता हूँ, डिसेबल केशे और स्लो 3G, और यहाँ पे अब मैं इसको एंटर करता हूँ। नहीं, इंटरनेट की स्पीड तेज़ नहीं, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये डेवलपर टूल ना, कोई गड़बड़ हो रही है इसमें। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, एक नया कस्टम इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, कस्टम प्रोफाइल, जिसमें मैं कहता हूँ जी स्लो कस्टम। इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी मर्ज़ी से ना डाउनलोड अपलोड आप लगा लें। तो मैंने कहा कि जी हमारे पास जो स्पीड है ना वो 50 KB की स्पीड है, 50 KB स्पीड आ रही है, ठीक है, और लेटेंसी जो है वो मिसाल के तौर पर 70 MS आ रही है ऐड। अब मैं इस प्रोफाइल पे लगा के करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मेरे पास ना स्लो 3G के अलावा ये कस्टम स्लो, ये मेरा अपना बनाया हुआ जो ना, ये भी आ गया। अब ये ना 50 KB की स्पीड एग्जैक्टली इसमें मिलेगी इसको। अच्छा, तो अब ये हमें ना थोड़ा सा ये फील करवा रहा है, ये क्या कर रहा है। एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ कुछ की है इस तरह से। एक ये एक्सटेंशन है लाइव सर्वर ना, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मे बी कि मैंने फाइल से डायरेक्ट ओपन किया है तो उस पर वो सेटिंग्स अप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि फ़ाइल ओपन हुई हुई है तो वो समझ नहीं पा रहा कि उस पर ये सेटिंग्स अप्लाई करनी है। वो कुछ गड़बड़ है गूगल क्रोम के डेवलपर टूल में, कोई गड़बड़ है, वो फ़ाइल पे उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये जब मैंने लाइव सर्वर करके जो एक्सटेंशन था वो मैंने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ गया नीचे गो लाइव का, ठीक है। तो कोई भी फाइल खुली भी होगी ना HTML की, और मैं ये बटन दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को ब्राउज़र में ये ओपन कर देता है और एक छोटा सा सर्वर चला देता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा सर्वर चला दिया, IP लिखी हुई आ गई है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि आपका कंप्यूटर एक सर्वर बन जाता है तो IP हो जाती है उसकी। तो अभी मेरा कंप्यूटर एक्चुअली एक सर्वर बन चुका है इस एक्सटेंशन की वजह से। अगर मैं आपको अपनी IP बता दूँ और इस जगह पे आप मेरी IP लिखें और ये 5500 लिखें और स्लैश पूरा ये URL लिखें तो ये आपके पास भी खुल जाएगा, ठीक है। वेल, अभी हम वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो हम बाद में करेंगे। और इस पर मैं दोबारा से अब लगाने की कोशिश करता हूँ जी कि कस्टम स्लो, और ये अब बिल्कुल सेट हो गया है ना, वो समझ नहीं पा रहा था फाइल पे। अब देखें ये इमेज ऐसे लोड होती है आहिस्ता आहिस्ता, ये 50 KB के इंटरनेट पे ना ये इस तरह लोड होगी। अच्छा, लेकिन आप देखें इमेज अभी लोड हुई नहीं है, लेकिन जो टेक्स्ट था ना उसने इसकी जगह छोड़ दी है इमेज की पहले ही। हाँ, जो मैंने विड्थ लगाई थी ना, तो एक्चुअल में हमें क्या पता चला कि इस विड्थ का मतलब, या इस हाइट का, यहाँ पे हाइट भी दे सकता हूँ मैं, इसका मतलब ये होता है कि इस इमेज के लिए जगह कितनी छोड़नी है, इसका मतलब ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये किसी एक में से विड्थ हटा देता हूँ मैं, ठीक है, किसी एक में से मैंने विड्थ हटा दी, अब देखें क्या होगा। अब इसको जब मैं रीलोड करूँगा जब, तो एक पे लगी हुई है विड्थ, उसकी जगह छोड़ी है इसने, दूसरे वाले के लिए इसने जगह नहीं छोड़ी है, नहीं दूसरे के लिए भी जगह छोड़ी है, ये क्या चक्कर है यार। दोनों से विड्थ हटा देता हूँ मैं, दोनों से मैंने विड्थ हटा दिया। अच्छा, दोनों से विड्थ हटाने पे क्या होता है कि कुछ देर के लिए ना वो टेक्स्ट पूरा चपका हुआ आता है, नोट कीजिएगा, कुछ देर के लिए टेक्स्ट चपका हुआ आता है। जब इमेज लोड होना शुरू होती है तो मेटा डाटा जब तक आ चुका होता है तो फिर वो जगह छोड़ देता है। अब मैं वापस इसको लगाता हूँ जब, तो आप देखें इसमें ना ऐसा होगा कि शुरू से ही वो, इसको मैंने रिफ्रेश किया, वेल अभी शायद मैं वो सही तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो पॉइंट इसका ये है कि ये वाला जो विड्थ मैं डिफाइन करता हूँ, इसका ये वाले विड्थ का एट्रीब्यूट इमेज के साइज़ को मॉडिफाई करने के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है कि जगह कितनी छोड़नी है वहाँ पे। अगर मेरे पास 20-25-50 इमेजेस हैं और मैंने उस पर ये वाला एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं किया हुआ है,
वो तो उसको समझ, वैसे भी जब इमेज लोड होगी तो ब्राउज़र को पता चल ही जाएगा कि कितने कितना साइज़ है इसका। लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि जब मेरा पेज लोड होगा ना तो मेरा पेज पूरा कोलैप्स हुआ हुआ होगा, और जैसे जैसे इमेज लोड होगी ना मेरा पेज ग्रो करेगा, ऐसे यूं यूं ग्रो करेगा। कुछ वेबसाइट में शायद आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो कि वो अगर स्लो पे ना वो यूं 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 ग्रो करता है पेज आपका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस इससे बड़ा ख़राब हो जाता है। आपका जो पेज है वो स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हो, इमेज लोड हो रही है नहीं हो रही, लेकिन सीधा खड़ा हो आपका पेज, ठीक है। अगर उस तरह से ऐसे ग्रो होता है ना आपका पेज लोड होने के दौरान, तो वो ब्रोकन फील करवाता है, यूज़र को लगता है यार ये ब्रोकन वेबसाइट है, ये सही चल नहीं रही है। अच्छा, तो हमने इमेज को लगाकर देख लिया, इसकी विर्थ हाइट को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो अगला हमारा टॉपिक है ना वो इसके फॉर्मेट वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये जो चैप्टर है ना पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल इसमें बातें होने लगी हैं अगले कुछ पेजेस पे। जैसे कि ये इमेज के फॉर्मेट की बात हो रही है यहाँ पे, इमेज को क्रॉप करने की बात हो रही है, ठीक है, और ये कुछ ऑनलाइन एडिटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ठीक है जी। तो इस ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि एक तो लंबा चैप्टर है ये, टेक्निकल बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो मेरी कोशिश होगी कि उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया जाए इस चैप्टर को। लेकिन मुझे वो है कि कहीं तेज़ ना हो जाए ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार आप घर से पढ़ कर आएंगे, एक बार मैं यहाँ पे आपको दोबारा से पढ़ाऊँगा, तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें जल्दी से समझ आ जाएंगी, हम जल्दी से फिर कंप्लीट कर पाएंगे इसको, ठीक है जी। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।